हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी फैशन में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में ये जो लहंगे हैं वो मैं दिखा रही हूँ कि ये लहंगे मैंने लिए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस किस टाइप के लहंगे लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये वाला लहंगा लिया है। ये आजकल इसको चिल्का का लहंगा बोलते हैं, तो ये वाला मैंने लिया है। और आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो है वो, अगर कैमरे में सही से नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो ग्रीन कलर है इसका और गोल्डन कलर की, इसके अंदर ये बूटी बूटी सी हैं, ये गोल्डन कलर की हैं। और इसका धागा जो है वो अलग से हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे करके धागे से बना हुआ है अलग से, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है जब इसको बनाते हैं तो। और मैं आपको बनाने के बाद में बताऊंगी कि ये अम्ब्रेला कट का लहंगा मैं बनवाऊंगी इससे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये एक तो ये चिल्का का लहंगा है और आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको प्राइस भी बता दूंगी और कहाँ से लिया वो भी बता दूंगी, कमेंट करके ज़रूर पूछना। दूसरा ये वाला कपड़ा है, ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में, मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। और वैसे अगर इसका लहंगा बनवाओ तो आप ये लहंगा बहुत पहनने में बहुत ही मतलब मस्त लगेगा। और एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही मुलायम कपड़ा है ये, वैसे मोटा है पर मुलायम बहुत है। और ये इसका कपड़ा लहंगा बना के पहनोगे तो एकदम ऐसे नीचे लटका हुआ सा लहंगा लगेगा, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए, इसके ऊपर भी कुछ बूटियां हैं और ये 5 मीटर का मैंने लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो देखिए। और तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो लहंगा है ये है, मतलब डबल साइड में है ये, मतलब धूप में देखोगे तो अलग सा कलर आएगा, वैसे देखोगे तो अलग सा। और इसमें कोई कलर नहीं है, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, पर इसका भी लहंगा जब आप बना के पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको इन सब की प्राइस का पता करना है और मैंने कहाँ से लिए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी और प्राइस भी बता दूँगी कि मैंने ये कितने के लिए हैं। और जब मैं इसको बनवाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।